एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं संचिता और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे सभी लेटेस्ट वीडियो को देख सके। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ दुर्गा पूजा की एक मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करूंगी और इस मेकअप लुक को मैं दुर्गा पूजा की अष्टमी में क्रिएट करूंगी। आप चाहे तो इस मेकअप लुक को किसी भी ओकेशन या फिर पार्टी में कर सकते हैं और साथ ही साथ ये मेकअप लुक बहुत ही सिंपल होने वाला है, कोई भी इस मेकअप लुक को इजीली क्रिएट कर सकेंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं प्राइमर अप्लाई करूंगी। आपके पास जो भी प्राइमर है आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले प्राइमर अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होती है। उसके बाद मैं फाउंडेशन अप्लाई करूंगी। आपके घर में जो भी फाउंडेशन है आप उसे अप्लाई कीजिए। फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर को यूज करूंगी और फिर अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूंगी। उसके बाद फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैं कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करूंगी। आपके पास जो भी पाउडर है आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं फेस को कंटूरिंग करने के लिए ब्राउन कलर की काजल पेंसिल को यूज करूंगी। अगर आपके पास कंटूरिंग स्टिक नहीं है तो आप ऐसे ब्राउन काजल पेंसिल को ट्राई करके देख सकते हैं और फिर मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी अच्छे से। नेक्स्ट मैं ब्राउन कलर की आईब्रो पेंसिल से आईब्रोज को सेट कर लूंगी। और आप में से मेरे जो भी फ्रेंड्स ब्लैक आईब्रो पेंसिल्स को यूज करते हैं वो एक बार ब्राउन कलर के आईब्रो पेंसिल से आईब्रोज को सेट करके देखना, इससे बहुत ही नेचुरल लगेंगे आपके आईब्रोज। उसके बाद एक ब्रश में इस शेड की आई शेडो को लेकर मैं अपने क्रीज लाइन पे अप्लाई कर लूंगी और फिर अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। अब मैं अपने आई लिड पर गोल्ड मेटलिक लिक्विड आई शेडो को लेकर ऐसे अप्लाई कर लूंगी। अगर आपके पास लिक्विड आई शेडो नहीं है आप इसके बदले शिमर आई शेडो को भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं आई लाइनर अप्लाई करूंगी और जैसे कि अभी मैं एक विंग लाइनर क्रिएट करूंगी और जिसके लिए मैं एक छोटा सा हैक ट्राई कर रही हूँ और जिसके लिए एक डेबिट कार्ड लेकर मैं इसकी कॉर्नर में आई लाइनर को अप्लाई कर रही हूँ और फिर उसके बाद इस कर्ट को मैं ऐसे आईज के कॉर्नर में प्लेस कर दूंगी और फिर ऐसे आई लाइनर से विंग लाइन ड्रॉ कर लूंगी। इससे दोनों आंखों में आप सेम विंग लाइनर ड्रॉ कर सकते हैं। जो लोग विंग लाइनर क्रिएट नहीं कर पाते हैं वो इस ट्रिक को एक बार जरूर ट्राई करके देखना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये ट्रिक कैसा लगा। अब मैं काजल अप्लाई करूंगी। फ्रेंड्स, इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए आपके घर में जो भी प्रोडक्ट है आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है जो प्रोडक्ट मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ आपको वो ही यूज करना है। नेक्स्ट मैं मस्कारा अप्लाई करूंगी लोअर और अपर आईलैशेस पर। उसके बाद मैं हाइलाइटर अप्लाई करूंगी। यहाँ पर मैं जो हाइलाइटर यूज कर रही हूँ उसमें एक लाइट पिंक की शेड है जो ब्लश और हाइलाइटर दोनों की काम एक साथ करेगा और साथ में मैं हाइलाइटर को अपने नोज और फोरहेड पर भी अप्लाई करूंगी फेस को थोड़ा सा हाइलाइट करने के लिए। लास्ट में मैं पिंक शेड की लिपस्टिक को अप्लाई करूंगी। आप अपने पसंद के लिपस्टिक को अप्लाई कर लीजिए। सो कम्प्लीट है मेरा दुर्गा पूजा का मेकअप लुक और ये येलो ड्रेस मैं दुर्गा पूजा की अष्टमी में पहनने वाली हूँ। कमेंट करके जरूर बताना आपको ये ड्रेस कैसा लगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को साड़ी में दुर्गा पूजा की मेकअप लुक देखना है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं वो वाला वीडियो भी आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज के मेकअप लुक पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय।